हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि सीएनजी सिलेंडर का हाइड्रो टेस्ट कराना कितना ज़रूरी है, और जो कि 3 साल के गैप के अंदर होता है। और आज हम वही वीडियो आपके सामने लेके आए हैं और आपको दिखाएंगे कि इसका फुल प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से होता है। और आज हम जा रहे हैं हाइड्रो टेस्ट कराने के लिए अपने सिलेंडर का, क्योंकि हमारा 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं सीएनजी लगे हुए। तो उसके अंदर प्रोसीजर दिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ को दिखाएंगे, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और क्या क्या चीज़ करनी है उसके अंदर। और आपको भी अवेयर रहना है कि इस चीज़ के लिए कि जब आपका ये टाइम पीरियड आता है तो आपको भी समय से पहले करा लेना चाहिए। ज़िंदगी है तो सब कुछ है, जितना लापरवाही करेंगे आप उतना ही आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको लेके चलते हैं हम सीएनजी हाइड्रो टेस्ट सेंटर में, जहाँ पे सिलेंडर का टेस्ट होगा, सीएनजी सिलेंडर का टेस्ट करेगा वो बंदा, वो आपको दिखाएंगे। कहते हैं हम उसका गूगल मैप लगा लेते हैं लोकेशन का, ये कहाँ पर है। ये हम आ चुके हैं डेस्टिनेशन पे। ये पहली स्टेप जो होती है हमारी, कि सिलेंडर को गाड़ी से अलग करना और स्टैंड से अलग करना, जो भैया कर रहे हैं। और ये स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें दिखाई जाएंगी कि मतलब कि क्या क्या स्टेप होती हैं, जो आप अगर चाहते हैं तो इन स्टेपों के अकॉर्डिंग आपका सिलेंडर टेस्ट किया जाता है। ये पहला स्टेप है कि सिलेंडर को स्टैंड से निकालना, जो आपके सामने भैया कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सिलेंडर को निकाल, सिलेंडर रिमूव कर लिया है गाड़ी के अंदर से। अब ये प्रोसीजर है कि सिलेंडर को ले जाया जा रहा है, और आगे की प्रोसीजर आपको दिखाएंगे कि ये टेस्टिंग एरिया के अंदर लेके जा रहे हैं सिलेंडर को। डी गैसिंग के लिए लेके जा रहे हैं खुले के अंदर। तो इनका एरिया देख लो आप, कहते हैं कितना, एक बहुत बड़ा मतलब कि एरिया है इनका, कहते हैं जिस तरीके जिसके अंदर डी गैसिंग करेंगे, इसमें से जो गैस होगी उस गैस को निकालेंगे ये खुले एरिया में ले जाके। सारे सेफ्टी के पॉइंट है यहाँ पे। हम क्या करते हैं, जब गाड़ियाँ आती है सिलेंडर के लिए, उसमें जो गैस बची रहती है, शेष जो गैस रहती है, उसको हम यहाँ रिलीज करते हैं, उसको गैस को खाली करते हैं। और क्या उसमें वाल वगैरह खोल के यहाँ हम गैस रिलीज करते हैं, वाल वगैरह चेक करते हैं कि वो लीक तो नहीं है, उसकी रबड़ तो कटी हुई नहीं है, जो भी गैस हम यहाँ इसको रिलीज कर देते हैं। जी, जैसे कि रिलीज हो रही गैस ही पड़ी हुई रिलीज किया जाता है, हानिकारक गैस होती है, इसलिए इसको इस पॉइंट में किया जाता है। जी, सेफ्टी के नॉर्म्स को मद्देनजर रखते हुए कहते हैं। और आइए देखिए, मेरा रिलीज कर दी ना पूरी साली, नहीं अभी स्टार्ट कर रहा है रिलीज कर। इस वाइस में हम पहले सिलेंडर को कसते हैं। हाँ जी, हाँ, फिर इसका वाल खोलते हैं, वाल को खोलते हैं इसके अंदर लगाने के बाद सिलेंडर। जी, ये जेमा सीएनजी सिलेंडर हाइड्रो टेस्टिंग। और ये पवन भैया है, पवन शर्मा नाम है मेरा भैया का, पवन शर्मा नाम है भैया का, प्लांट है, भैया प्रोप्राइटर है इस कंपनी के। तो भैया आप मुझे बताएंगे कि भैया यहाँ पर जो कस्टमर आता है, कस्टमर की सहूलियत के लिए आपने क्या क्या चीज़ें मतलब कि प्रोवाइड कर रखी हैं। कहते हैं यहाँ पर कस्टमर हमारे लिए भगवान है, और हमने उनको भगवान का दर्जा देते हैं, और उनके लिए हर तरीके की सुविधाएँ हमने अपने प्लांट में रखी हुई है। उनके लिए एसी लगाया हुआ है, एसी लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। कहते हैं सोफे वगैरह लगा के उनको अच्छे से बैठाते हैं, उनको पानी वानी अच्छे से पिलाते हैं। वेटिंग एरिया देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से बना रखा है भैया ने। कहते हैं और एसी लगा हुआ है, सबसे बड़ी बात यह है कि बंदे को कोई दिक्कत ना हो, आता है गर्मी के अंदर बैठ सकता है आराम से, हर चीज़ की मतलब कि
कर रखी है, थोड़ा कपड़े के थोड़ा माइंड मत करना, क्या थोड़ा अभी खुला था, हम थोड़ा जल्दी आ गए, भैया का थोड़ा 10 बजे का टाइम था। ये शॉप ऐसे ही होते हैं काम इसमें, कि कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई हमें 5 स्टार ऑफिस है, प्लांट है, गाड़ी आती है, सिलेंडर खुलते हैं, काम होते हैं, हमारे हाथ भी सारा दिन काले होते हैं। जी जी भैया, वो तो काम तो देखो जी, काम के साथ हमारा रिलेशन एक फ्रेंडली रिलेशन बन जाता है, घर जैसा रिलेशन बना लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि भैया जो भी कस्टमर हमारे यहाँ से टेस्टिंग करा के जाता है वो सेटिस्फाइड होकर जाता है हर तरीके से। क्योंकि मैंने भैया मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप तक मैंने जितनी भी गाड़ियाँ करी हैं, लगभग 400 गाड़ियाँ मैं कर चुका हूँ, 400 गाड़ियों के अंदर आज तक कोई कंप्लेंट नहीं है किसी भी कस्टमर का, और हमें वो जो उनका रिव्यू होता है वो 5 स्टार प्लस होता है। आप मतलब कि भैया की मैं वो डाल दूंगा तो भैया के इसके साइड पे भी देख सकते हैं कि भैया रेटिंग क्या है, कस्टमर की रेटिंग है, वो कोई फेक रेटिंग नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बेस्ट चीज़ भैया की मुझे ये लगी, भैया ने मुझे इसलिए अप्रोच किया कि भैया का जो काम होता है ना एक नंबर काम होता है। काम का मतलब ये है कि आप जब मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको पता है कि मैं वहीं आपको रिकमेंड करता हूँ जहाँ काम एक नंबर का होता है। उस काम के अंदर भैया के ये मतलब नहीं है कि कोई स्टेप कोई छोड़ दी जाए, कोई सेफ्टी नॉर्म्स को ना ध्यान में रखा जाए। भैया हम गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, जो हमारी गाइडलाइंस हमें बताई गई हैं इस हिसाब से होता है काम, हम उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि गाड़ी आई है गाड़ी को ऐसे ही करके छोड़ दिया, नहीं। ये हमारे मैकेनिक साहब हैं, ये प्रॉपर 15 साल इनको इस लाइन में हो चुके हैं, और हमेशा एक ही चीज़ मैं इनको बताता हूँ, ये मुझे बताते हैं कि भैया कस्टमर कि गाड़ी आई है वो गाड़ी हमारी है, हम गाड़ी में उसमें बैठे हैं, ना कि कस्टमर बैठा हुआ। सही बात है, उसकी सेफ्टी सबसे पहले सबसे बेस्ट है। सिलेंडर में या कोई गाड़ी में लीकेज होती है, कोई ब्लास्ट होता है, या उसकी फैमिली के कोई हादसा होता है, तो वो समझ लो हमारी जिम्मेदारी है। सही बात है, आप कस्टमर की फैमिली को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हो, जब भी आप हमारे प्लांट से होके गई है तो हमारी जिम्मेदारी है कल को उसमें कोई ऐसा चीज ना हो। क्योंकि हम अगर हमारे पास गाड़ी आई है और उसका सिलेंडर की डेट निकल चुकी है तो हम उस सिलेंडर को कस्टमर को समझाते हैं कि इसकी डेट निकल चुकी है, क्योंकि सिलेंडर की जो लाइफ होती है 20 साल होती है, 20 साल के बाद अगर आप सिलेंडर को चलाओगे 1 महीने बाद भी तो सिलेंडर नहीं चलेगा, रिस्क में आपकी लाइफ है, आपकी फैमिली सब कुछ, कस्टमर को नहीं पता। तो जैसे कि भैया कस्टमर होते हैं, जैसे कि आपके पास तो मतलब कि बहुत सारे कस्टमर आते हैं, तो कस्टमर की थिंकिंग क्या होती है कि भैया मेरा कुछ भी कर दो, कोई वो मत करो ये मत करो, क्योंकि इस टाइप से मैंने देखा है बहुत जगह कहते हैं, क्योंकि मेरे भी यार दोस्त हैं, वो कहते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो भैया उन फर्क ना पड़ने वाले बंदों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात, फर्क चाहे ना पड़े पर जो जिस चीज से आपकी गाड़ी चल रही है, जिस सिलेंडर से आपकी गाड़ी चल रही है उसमें फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जब हाइड्रो टेस्टिंग कराओगे तो सिलेंडर की हर चीज के पे पैरामीटर पे सिलेंडर पूरा उतरना चाहिए, नहीं उतरेगा तो सिलेंडर रिजेक्ट हो जाएगा। सिलेंडर रिजेक्ट हो जाएगा, जैसे उसकी गाड़ी की परफॉर्मेंस में भी वो बढ़ेगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, माइलेज बढ़ेगी, बढ़ेगा, सिलेंडर में ऑयल जमा हो जाता है। जी जी जी, कम प्रेशर के साथ साथ ऑयल चले जाता है, वो ऑयल आपके वाल में आ जाता है, वाल से इंजन में आ जाता है, सारी से इंजन में वाल चौक हो जाता है, गैस नहीं जाती है और आग लगने का भी रिस्क उससे बढ़ जाता है। तो मतलब कि आप यही रिकमेंड करना चाहेंगे कि ये हाइड्रो टेस्ट तो जरूरी है कराना, और अगर वो जो नहीं कराता वो अपनी जान के साथ, अपनी फैमिली के साथ और हर किसी एक इंसान के साथ खेल रहा है। इंडिया में हर साल हादसे होते हैं सिलेंडर फटने से, जो हाइड्रो टेस्टिंग नहीं होती है गाड़ियाँ उनमें सिलेंडर फटने के हादसे होते हैं, वो बहुत हादसे होते हैं। हमने अवेयरनेस कैंप भी चलाए हैं शहर के अंदर। हाँ, आप बता रहे थे कि सीएनजी पंपों पे भी जगह अवेयरनेस वो बता रहे थे आगे पंपों पे भी हमने अवेयरनेस कैंप चलाए हैं, लोगों को समझाया हाइड्रो टेस्टिंग कराना क्यों जरूरी है, क्योंकि सिलेंडर का नहीं पता आपको भी और जिससे गैस भर रहा उसको भी। जी जी, जब तक आप उसको खुलवा के टेस्ट नहीं कराओगे तब तक नहीं पता चलेगा। बाकी हमारे इंजीनियर साहब हैं जिनके देख रेख में सारा सिलेंडर की टेस्टिंग होती है, तो बाकी वो बताएंगे। हाँ जी, तो भैया आप सिलेंडर टेस्ट करने के लिए मतलब कि स्टेप वाइज हमें बताओगे, कहते हैं कि क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ स्टेप होती हैं इसकी, जो कस्टमर को भी और कहना आप तो ध्यान रखते हैं, आपको बताने जरूरत नहीं, खुद आप हमें बता रहे हो, तो कस्टमर को भी क्या ध्यान रखना है? कहते हैं जो कस्टमर चाहता है रियली अपनी अपनी फैमिली से प्यार करता है और वो चाहता है कि मेरी फैमिली सेफ रहे, मैं सेफ हूँ तो मेरी फैमिली ऑटोमेटिक सेफ रहेगी, कहते हैं क्योंकि एक फैमिली मेम्बर एक बड़ा रोल अदा करता है अपनी फैमिली के अंदर, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? तो कस्टमर के लिए ये मैसेज है कि जैसे कि क्या होता है कि गैस
सिलेंडर है, सिलेंडर की अगर एक्सपायर डेट हो जाती है जी जी, तो कस्टमर फिर भी उसको लेके चलता है, चलाता रहता गाड़ी, नंबर प्लेट बनवा के, बाहर नंबर प्लेट बनवा के। इससे क्या है, इससे क्या है कि उसमें ऑयल वगैरह जो जम जाता है उससे आग लगने की चांसेस ज्यादा हो जाती है। जी जी, तो इसीलिए यही मैसेज है उनको कि अपना आके प्रॉपर हार्ट डिटेक्शन कराएं और अच्छी जगह से कराएं। हाँ, अच्छी जगह जो अथॉराइज्ड सेंटर है वहां से कराएं, और अपनी जो भी वो भी क्वेरी है, वो जो भी दिक्कत है अपने उसमें गाड़ी में, वो यहाँ भी अपना वो पूछ सकता है, कर सकते हैं। जी जी, तो आप अभी मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओगे, कहते हैं अभी क्या सिलेंडर का अभी आपने डी गैस करी है, कहते हैं अभी हमने डी गैसिंग कर दिया वहाँ पे वाइस में। जी जी, उसके बाद हम ये डी गैसिंग एरिया है, इसके अंदर जाना मतलब कि नो एंट्री है उधर की साइड जाना। और भैया ने देखिए सारी चीज़ें एक सर्टिफिकेट मतलब कि सारी नोटिस वगैरह लगा के रखा हुआ है, पूरी नॉलेज दे रखी है इन्होंने इस चीज़ के बारे में। आप ये चीज़ देख सकते हैं क्या ना भैया ना, सारी चीज़ें है इसके अंदर, टेस्टिंग प्रोसेसर है, ये टेस्टिंग प्रोसेस है जिस जिस चीज़ के अंदर ये सारी चीज़ों को मतलब कि मापदंडों के अनुसार सिलेंडर टेस्ट करते हैं, सारी चीज़ें दे रखी है इन्होंने इसके अंदर। पहले पहला प्रोसेस क्या है, पहला सिलेंडर की गैस क्षेत्र में खाली करना है, मतलब हम इसको डीगैसिंग पॉइंट में ले जाके सिलेंडर को गैस को खाली करेंगे। जी जी जी, और दूसरा प्रोसेस क्या है, भारी सतह को अच्छी तरीके से देखना है कि उसमें जंग नहीं है, कहीं पिन पॉइंट नहीं है, जी जी जी, होल नहीं है, ये सब देखना है हमको। और उसके बाद क्या, सिलेंडर की वायर, उसके बाद हम क्या करते हैं, अंदर सिलेंडर को अंदर ले आते हैं। भैया का ये सिलेंडर टेस्टिंग एरिया है, ये टेस्टिंग एरिया हमारा, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप भैया बताएंगे, कहते हैं कि भैया सिलेंडर मतलब कि डीगैसिंग के बाद फिर कहाँ पे आता है सिलेंडर का वेट, फिर हम उसको लाके डीगैस यहाँ पे करते हैं। ये भी वाइस है मेरा, इस वाइस में रख के उसमें हम सीटीसी केमिकल डालते हैं, एक केमिकल कौन सा होता है भैया, ये सीटीसी होता है, सीटीसी केमिकल होता है जिससे मतलब कि सारी सिलेंडर के अंदर ऑयल होता है सारा निकल जाता है, सिलेंडर में ऑयल जाता है और जी जी, ऑयल अंदर उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है तो केमिकल डाल के उसको ऑयल को रिमूव करते हैं। जी जी जी, ठीक है। उसके बाद उसका सबसे कार्बन टेट्राक्लोराइड ही है, केमिकल है, हाँ जी जी, क्या करता है नीचे जो परत में जो जितने भी कचड़े होते हैं जी जी उसको काट देता है, काट के वो उसको उसमें क्या नाम लिक्विड रूप में निकाल देता है बाहर जाके, कहते हैं। उसके बाद इसको हम यहाँ से उठा के उस पॉइंट में डीऑयलिंग करते हैं, जो केमिकल डाला वो केमिकल डाला उसको यहाँ निकालते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, लिक्विड फॉर्म के बाद वो यहाँ पे निकाल देते हैं। आप कहते हैं जी जी जी, आपको पीछे हर मशीन का लिखा हुआ है, ठीक है जी, और ये मेरा डीऑयलिंग पॉइंट है। जी जी, उसके बाद क्या करते हैं, अपने सिलेंडर को ले आए, इसका वेट होता है, फिर वेट होता है यहाँ पे। जी जी, सिलेंडर का वेट क्या, होता है जैसे कि जो सिलेंडर होते हैं 12 kg 14 kg 65.4 समथिंग उसकी वो होती है कैपेसिटी वो नहीं वेट होता है, वेट होती है, वेट की कैपेसिटी, वेट उसका 55% से ज्यादा या कम हो जाए, 5% से कम हो जाए जी जी, तो सिलेंडर रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है यहाँ पहले यहाँ पे जी। अगर 5% से कम है तो सिलेंडर यहीं रिजेक्ट हो जाएगा, यहीं रिजेक्ट हो जाएगा, कहते हैं फिर आप उस गाड़ी के अंदर लगाएंगे नहीं सिलेंडर, उसको वापस नहीं देंगे एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, एज गवर्नमेंट जो अथॉरिटी हमको जो हाँ नॉर्म्स के हिसाब से जो है कहना मैं सेफ्टी गाइडलाइंस के। उसके बाद क्या करते हैं, फिर इसको वाइस में कस के इसमें सिलेंडर को क्या करते हैं, पानी भरते हैं। जी जी, पानी भरते हैं, पानी भर के जो पानी भर जाएगा उसमें, हाँ जी, वाइस को कस के उसको वाल को कस के हम सिलेंडर को इसमें लाते हैं, इसके अंदर इस ब्रैकेट के अंदर पानी भरा हुआ है, ये 20 फीट गहरा जैकेट है मेरा, 20 फीट है इसमें। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम इसको अंदर डाल के इसको टाइट करके, जी जी, और उसके बाद ये मेरा हाइड्रोलिक मशीन है, जी हाइड्रोलिक मशीन है ये, इसके अंदर प्रेशर डालते हैं, इसमें हम प्रेशर डालते हैं, कितना प्रेशर कितना बार प्रेशर होता है, जैसे कि जेएफसी का सिलेंडर आता है, जेएफसी हुआ, एकेसी हुआ, रामा हुआ, 3-4 मतलब कई टाइप के सिलेंडर बनते हैं। हाँ जी जी, तो जेएफसी पे हम 334 का प्रेशर डालते हैं। जी जी जी, और एकेसीटी का जो सिलेंडर आता है उसमें 340 का प्रेशर डालकर हम चेक करते हैं। जी जी, सिलेंडर के हिसाब से जो मैन्युफैक्चरर उनके अकॉर्डिंग उनके नॉर्म्स के हिसाब से आप टाइप के हिसाब से उसके अंदर प्रेशर डालते हैं, उसको यहाँ पे टेस्ट करते हैं। ये मेरा ब्यूरिट है, इससे जो टेस्टिंग होगी जी जी, तो क्या होता है कि सतह कॉन्टैक्ट मतलब कि
ऊपर से हम प्रेशर डालेंगे, हाँ जी जी, और नीचे से पानी का वो प्रेशर रहेगा जी, दोनों का जो प्रेशर रहेगा तो सिलेंडर को खुला देता है जी जी जी, तो इस यूनिट में पानी ऊपर जाएगा। अच्छा, अगर उस कैपेसिटी उसके हिसाब से कहते हैं प्रेशर के हिसाब से, उसमें अगर सिलेंडर में थोड़ा भी फॉल्ट होगा, लीकेज होगा या कुछ भी होगा तो ये पानी स्लाइड के नीचे आ जाता है। अच्छा अच्छा, लीकेज हो तो पानी नीचे आ जाएगा, तो इसके इससे पता चल जाता है कि सिलेंडर आपका फॉल्टी तो नहीं है, सिलेंडर अंदर फॉल्ट है जी जी, इससे पता चलता हाइड्रोलिक मशीन से। हाइड्रोलिक मशीन यही मेन टेस्ट है, मेन टेस्टिंग ही होता है, मेन टेस्ट यही है हाइड्रो टेस्ट हमारा जी जी। ये स्टेप्स होते हैं इसके बेसिकली। इसके बाद क्या है कि हम इसका सिलेंडर की अल्ट्रासोनिक करते हैं यहाँ पे जी जी। अल्ट्रासोनिक में देखते हैं नोच वगैरह होता है कि कभी कभी देखते हैं परत एकदम हो जाती है, खराब हो जाती है जी जी जी, तो उसको देखते हैं कि इसकी परत सही है कि नहीं है जी जी। और क्या नाम है, कहीं 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 कट लग जाते हैं, कट कहीं नहीं लगा है, हाँ जी। उससे हम अल्ट्रासोनिक से देखते हैं। उसके बाद ये मेरी अल्ट्रासोनिक थिकनेस टेस्टिंग मशीन है, ये थिकनेस टेस्टिंग मशीन है जी जी। ये थिकनेस बताती है कि कितनी कितना मोटा है वो, ये इससे थिकनेस पता चले कि हमारा सिलेंडर कितना थिकनेस ठीक है जी जी। और इसको हम जो प्लेट होती है सिलेंडर, दो टाइप दो तरह से बने होते हैं, एक सिलेंड्रिकल एक तुम्हारा प्लेट, प्लेट एक सर्कुलर एक सिलेंड्रिकल जी जी। तो जो सिलेंड्रिकल टाइप का होता है उस पर हम चेक करते हैं, तीन चार जगह लेते हैं, चार पॉइंट हम देखेंगे, ऊपर भी जो सर्कुलर होता है उस पर भी हम दो चार पॉइंट देखेंगे जी जी। तो जो मिनिमम थिकनेस होती है प्लेट पे वो अप्रोक्सीमेट 7.1 7.7 ऐसे आती है जी जी। और वो अगर थिकनेस 5.2 6.1 ऐसे आने लगे तो वो थिकनेस मतलब उस थिकनेस कम हो गई है, थिकनेस कम हो गई और वो मतलब कि सिलेंडर ठीक नहीं है, सिलेंडर ठीक नहीं है, गाड़ी के अंदर लगने लायक नहीं है। ऊपर का जो वो सर्कुलर पॉइंट होता है उस पे क्या 15.1 14.2 उसमें अगर 12.1 से नीचे अगर आता है वो थिकनेस तो वहाँ सिलेंडर रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा, ये तो ये सेफ थिकनेस यहाँ पे लोकल का वो प्रोसीजर है जी जी जी। और फिर यहाँ पे वाइस में उसके उस स्टेप के बाद सिलेंडर को आप लेके आते हैं यहाँ पे वाइस में, वाइस में जो पानी होता है उसमें पानी जो भरे वाटर रहता है जी जी, उसको हम निकालते हैं बाहर जी, यहाँ पे मतलब कि निकाल देते हैं पानी बाहर करते हैं जी जी जी। पानी निकल जाएगा पूरा सिलेंडर, उसके बाद हम क्या करते हैं ब्लोअर है जी 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 जी, ये ब्लोअर है, इस ब्लोअर से सिलेंडर को सुखाया जाता है, हवा मार के कहते हैं गर्म हवा मार के सुखाया जाता है सिलेंडर अंदर जो पानी भर जाता है पानी, हाँ जो पानी जो आपने डाला है उसको मतलब कि पूरा सुखा देते हैं उसको, तो सिलेंडर सूख जाता है जी जी। सूख जाएगा सिलेंडर, उसके बाद 10 मिनट तक हम छोड़ देते हैं इसको, 10 मिनट तक छोड़ देंगे हाँ। फिर उसके बाद सिलेंडर अगर स्थिति सही है उसकी, नया सिलेंडर है जी, पेंट नहीं करते हैं जी जी, मान लीजिए सिलेंडर खराब हो गया है, परत वगैरह मतलब छूट गई उसका पेंट छूट गया जी जी, हम पेंटिंग पॉइंट ले जाके पेंट करते हैं जी जी। उसके बाद सिलेंडर सही पास हो गया है हाँ जी, सर्टिफिकेट बना के फिर इशू कर देते हैं, फिर वो आपके इशू कर देते हैं सिलेंडर सही है जी जी जी, और हम कस्टमर को सर्टिफिकेट दे देते हैं, सिलेंडर दे देते हैं। ये बेसिकली प्रोसेस है, इस प्रोसेस के हिसाब से ही कहते हैं आपका मतलब कि हाइड्रो सीएनजी का सीएनजी सिलेंडर का हाइड्रो टेस्ट होता है, और इसी के बाद इन सारी गाइडलाइन इनके क्या नाम है नॉर्म्स के हिसाब से ही सारी चीज़ें मिलती हैं आपको कहते हैं। और ये देखिए सारी चीज़ें इन्होंने मतलब कि एक बढ़िया मतलब कि सेटअप है इनका भैया का, पूरा जो मशीन है एकदम बिल्कुल न्यू है और बढ़िया मतलब सेटअप बना के रखा हुआ भैया ने। और पहली बात यह है कि सारी नॉर्म्स के हिसाब से सारे काम करते हैं भैया, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि जल्दीबाजी का काम हो, कहते हैं काम एकदम एक नंबर है, काम बढ़िया तरीके से करते हैं और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। और आगे अब हमको चीज़ें दिखाएंगे, और ये बोरोस्कोप है, ये बोरोस्कोप है, इससे क्या होता है भैया, इससे हम बोरोस्कोप से चेक, इसमें कैमरा लगे हैं अंदर, इसके अंदर बेसिकली कैमरा लगा हुआ है, इसको हम इसका डेमो दिखा देते हैं, ये कैमरा लगा हुआ है, ये भैया ये सिलेंडर के अंदर डाल के देखते हैं, जैसे कि अभी हमें डेमो दिखा रहे भैया, ये सिलेंडर के अंदर इन्होंने भैया ने डाल दिया, ये देखिए कैमरा है इसके अंदर, ये जो कैमरे की डिस्प्ले दिखा रहे हैं इसके अंदर, इस बेस कैमरे से क्या चीज चेक करते हैं आप, अंदर जो जो भी होती है कचड़े होते हैं उसको देखते हैं हम कि कचड़ा है कि कचरा वचरा अवेलेबल तो नहीं है उसके अंदर, है कि नहीं है अंदर, इस कैमरे से हम देखते हैं। इस कैमरे के अंदर आपको मेरा मतलब कैमरा सेंस कर 12 हो तो ये देखो दिखा रहे ना इसके अंदर ये चीजें, इसके अंदर कुछ गंद तो नहीं है, कुछ अंदर जंग तो नहीं लग गई है, कुछ वो है ऑयल तो नहीं है, जंग तो नहीं है, इस चीज़ से ये चीज़ें देखते हैं कुछ अंदर से कुछ डैमेज तो नहीं है, क्रैकिंग वगैरह कुछ तो नहीं आ रही, तो इस कैमरे को डाल के वो चेक करते हैं।
इस चीज से। ये भैया ये कौन सी प्रोसीजर, मतलब कि ये कौन सा स्टेप है, लास्ट का स्टेप है? नहीं, ये जो हमारा क्या नाम है, हम ऑयल डाल सीटीसी केमिकल डालते हैं जी, उससे पहले का प्रोसेस है, इससे पहले का स्टेप है। सीटीसी केमिकल डालने से पहले हम इसको चेक, जो केमिकल जो वाला केमिकल था जो भैया डालते हैं, इससे पहले वाला वो है, इससे देखने, इससे पहले वो प्रोसीजर किया जाता है कैमरे वाला। इससे जब डिगैसिंग हो जाती है उसके बाद डिगैसिंग हम कर लेते हैं, इसे गैस डिटेक्टर सिलेंडर को सिलेंडर के अंदर डाल के हम इसे गैस चेक करते हैं। गैस चेक करते हैं कि गैस अवेलेबल है तो नहीं उसके अंदर, गैस अवेलेबल है कि नहीं है। अगर से गैस डिटेक्टर बताता है सिलेंडर के अंदर गैस अवेलेबल है, हाँ जी, तो हम नाइट्रो फर्जिंग करते हैं। नाइट्रो अगर गैस अवेलेबल हो चुकी है निकालने के बाद भी, अगर अगर से गैस डिटेक्टर बोलेगा कि कहां से गैस उसमें है, तो हम इसमें नाइट्रोजन फर्जिंग करेंगे। ठीक, अगर से नाइट्रोजन फर्जिंग से फिर करने के बाद दोबारा चेक करेंगे, अगर से सिलेंडर में फिर भी गैस कुछ पॉइंट बताएगा, तब हम उसमें सिलेंडर में वाटर फिल करेंगे। वाटर फिल करने के बाद तब हम डिगेस्टिंग सिलेंडर डिगेस्टिंग एरिया से अपने वर्कशॉप में ले आएंगे, तब सिलेंडर की सारी प्रक्रिया शुरू करते हैं। अच्छा, चलो भैया ये तो सारी भैया ने स्टेप वाइज बता दिया, क्या नाम है, ठीक है ना। अब जैसे कि अब भैया आएंगे तो थोड़ा हमें, मतलब कि जैसे हमारा धीरे धीरे चीजें होती रहेंगी, हम आपको दिखाते रहेंगे कि उसके अंदर क्या 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 चीजें। थिकनेस गेज, ये थिकनेस गेज तो हो चुका है, हो गया। ये पानी भरने के बाद मतलब कि इसके इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर डाल रहे हैं, जिसके अंदर टेस्टिंग करने के लिए डाल रहे हैं। हाँ जी, वाटर फिल हो गया, वाटर फिल कर दिया आपने कहते। अब इसके अंदर भी इसको भी रिसाइकल करते हैं, उसको वेस्ट नहीं होने देते। रिसाइकल होता है, पानी जाता है टैंक के अंदर, टैंक के अंदर तो वापस पानी आता है। अच्छा, तो आपने देखा कि ये जो पानी वेस्ट हो रहा है, आप ये मत समझना कि पानी वेस्ट हो रहा है कि पर सिलेंडर पे, ये देखो इन्होंने भी ना टैंक बना के रखा, वो टैंक के अंदर से फिर वो रिसाइकल होकर पानी कहता है, फिर यूज करते हैं उसको। भैया ने टाइट कर दिया, इसके बाद हम सबको बाहर जाना पड़ेगा, इसके सिर्फ एक जो मैन मैकेनिक हैं वही इसके अंदर काम करेंगे, कहते हैं इंजीनियर वही काम करेंगे। अब इसके अंदर प्रेशर डाला जाएगा, ठीक है। चार्ज के प्रेशर में क्या होता है कि सिलेंडर के अंदर कोई बबल्स हो, अगर से कोई रीडिंग में जो हमारा ब्लूटूथ में उठता है कोई बबल वगैरह रहता है, तो हम 50 का प्रेशर पहले देख के बबल्स को रिलीज कर देते हैं जी। उसके बाद हम 340 का प्रेशर करेंगे अभी, ये अब हम प्रेशर रिलीज करेंगे, ये हम प्रेशर अब रिलीज कर देंगे। अब ये प्रेशर रिलीज करने के बाद अब इसके बाद हम लोग 340 का प्रेशर देंगे। हाँ, जिसके जिसके एज पर सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से कोई बंदा इस एरिया में रहेगा नहीं, सिर्फ इंजीनियर के अलावा जी। बबल्स वगैरह रिलीज किया जी, उसके बाद हम 340 का प्रेशर देते हैं इसमें, 340 का प्रेशर, 340 का प्रेशर देते हैं जी। क्योंकि हमें सीएनजी पंप पे गैस 200, 240, 230 तक लास्ट मिलेगा। 40 हाँ, 40 मैं वैसे तो 200 ही रखते हैं, 190 कभी भी मिल जाए, ठीक है। और हम हमारा प्रोसीजर जो है, हम इसे 340, 334 के हिसाब से टेस्ट करते हैं जी। जी, आपके सामने है रिजेक्ट, आप देख सकते हो सिलेंडर अंदर डला हुआ है जैकेट के अंदर। अब प्रेशर रिलीज करो, प्रेशर डालोगे इसके अंदर, प्रेशर डाल चुके हैं। अच्छा, प्रेशर है जी, जैसे आपका गैस पंप पे सिलेंडर में गैस मिलता है वैसे सेम प्रेशर ही जी। जी, इस समय सिलेंडर अंदर पूरा प्रेशर ले चुका है, प्रेशर ले चुका है, उसकी टेस्टिंग इसकी हो चुकी है जी। जी, अब इसका क्या करेंगे, प्रेशर रिलीज करेंगे जी। जी, अब इसका प्रेशर रिलीज करने के बाद फिर उसका इसको हम पानी निकालेंगे, पानी रिलीज करेंगे इसके अंदर से। पानी रिलीज कर रहे हैं इसके अंदर, पानी निकाल रहे हैं इसके अंदर से, है ना भैया। हीटर का मतलब कि वो एयर मार रहे हो, हाँ, गरम एयर मार रहे हैं, जिससे सिलेंडर को सुखाया जा सके, ठीक है ना जी। अभी सिलेंडर सूखने के बाद फिर 5-10 मिनट छोड़ दोगे सूखने के बाद, ठीक है भैया। ये है, इसको रिंग बोलते हैं, ठीक है। ये सिलेंडर के वाल के साथ लगा रहता है, ये
मंथ डाला हुआ है, ईयर से डाला है, 2024 में अपडेट होगा, ये आपका सिलेंडर नंबर है। जी 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 हाँ। उसके बाद आपका बनेगा प्लेट। जी वो प्लेट आप आगे में जब दिखाओगे कहते हैं। जी जी देख रहे हैं, ये थिकनेस चेक कर रहे हैं। जी देखिए इसकी थिकनेस यहाँ पे 14.1 और यहाँ पे 10.8, मतलब इसके ऊपर जो थिकनेस होगी हाँ जी 10 से ज़्यादा होगी। जी 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 यहाँ देखिए। और कितनी ठीक होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेट, अगर यहाँ इससे ऊपर अगर 12 से कम है सिलेंडर रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा तो अभी हमारे की ठीक है। हाँ अभी ठीक है, 17.50.8, 15.9। ये डे बाई डे मतलब कि डिक्रीज हो जाती है क्या? नहीं नहीं डे बाई डे नहीं, मतलब हर 3 साल में जब सिलेंडर में गैस भरती है तो परत कम होती चली जाती है। अच्छा कमजोर होती है बंद की वजह से। जी 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 हीट की वजह से। आप यहाँ पे जो सिलेंडर आपकी वहाँ से मैक्सिमम आ रही है। जी जी वो आ रही है 15.3 15.3 और जो लास्ट रिजेक्टेड होगी वो कितनी होगी हमारी? वो 12 होगी, 12 आएगी तो रिजेक्ट हो जाएगा सिलेंडर हमारा। और उसके बाद जो प्लेट होती है। जी जी प्लेट की थिकनेस, प्लेट यहाँ पे लगाया इन्होंने और इसकी कितनी है? 15.7। नहीं नहीं यहाँ प्लेट 8.1 यहाँ कितनी होनी चाहिए? यहाँ कितनी होनी चाहिए? यहाँ भी 6.1 से कम नहीं होनी चाहिए। 6.1 से कम नहीं होनी चाहिए यहाँ की बीच की जो है बीच की जो है प्लेट जो है। जी 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 प्लेट जगह से हम ले लेते हैं 8.1 9.1 समथिंग आपकी मिनिमम थिकनेस आई है 8.1 मतलब ये ठीक है अभी सिलेंडर की कैपेसिटी सही है 8.0। जी जी ठीक 7.9 फाइनल टेस्ट के बाद अब सिलेंडर को इंस्टॉल करते हुए अब हाइड्रो टेस्ट हो चुका है हमारा सिलेंडर का। अब इसे दोबारा इंस्टॉल कर रहे हैं गाड़ी के अंदर फाइनल। तो सिलेंडर ही रिजेक्ट थे हाँ। तो भैया ने ही कटवा दिया सिलेंडर और ये जो इसका पार्ट रेड वाला पार्ट ये रेड वाला जो पार्ट है इसे हम रख लेते हैं हाँ। व्हाइट पार्ट जो है वो कस्टमर को हैंड ओवर कर देते हैं। कस्टमर को हैंड ओवर कर देते हैं हमें रेड वाला पार्ट रखना अलाउ मतलब जरूरी है। जरूरी होता है इसका सर्टिफिकेट बना के गवर्नमेंट को आप इन्फॉर्म करते होंगे। जी जी फेल सर्टिफिकेट वगैरह बना के गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हो। एक हम कस्टमर को इशू कर देते हैं एक अपने पास रखते हैं जो जी अपने फाइल में लगाते हैं। जी 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 जो भी मतलब कि जो भी एक्सपायर सिलेंडर होता है या मतलब कि आपको लगता है जिसके अंदर सिलेंडर के अंदर मतलब कि बिल्कुल कैपेबिलिटी नहीं है चीजों की। 1998 का सिलेंडर है ये 98 का ये सिलेंडर है 1998 का ये जी 98 का ये है और ये सिलेंडर है 97 का 97 का ये सिलेंडर है ये देखिए 97 का ये है 97 का बताओ कितने कितने पुराने सिलेंडर कितने कितने पुराने सिलेंडर यहाँ पर जो किट लगाते हैं वो लोग भी कहाँ से पुराने पुराने सिलेंडर कस्टमर को लगा के दे रहे हैं। कल को उनके साथ कोई हादसा होगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा? सही होगा और हमारे पास आते हैं तो कस्टमर और दुकान वाले दोनों हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं कि कहाँ से आप हमें सिलेंडर दे दीजिए ऐसी दीजिए हमें लेकिन हम सिलेंडर उन्हें नहीं देते। सही बात है ये एज पर गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से भैया चलते हैं और ये सेफ्टी के हिसाब से भी कस्टमर के लिए बहुत जरूरी है और कस्टमर को भी अवेयर होना पड़ेगा इस चीज़ के। हमारे पास 2 सिलेंडर और अभी एक्सपायर पड़े हैं जो आप भैया दिखाना चाहेंगे कहते हैं ये सिलेंडर है अभी इसे कटवाया नहीं है ये 1999 का सिलेंडर है 1999 मॉडल सिलेंडर है ये सिलेंडर हमारे पास एक पड़ा हुआ है ये सन 2000 मॉडल सिलेंडर है ये सिलेंडर हमारे पास सन 2000 मॉडल सिलेंडर पड़ा हुआ है ये देखिए 00 है सन 2000 का सिलेंडर पड़ा हुआ है हमारे पास। तो आप इन्हें काटोगे अब जाके? जी इन्हें कटवा देंगे आप कटवा के वाइट वाला हिस्सा कस्टमर को दे देंगे रेड वाला आप अपने पास रख लेंगे। फेल सर्टिफिकेट बनाते हैं एक कस्टमर को देते हैं एक हम अपने पास रखते हैं। जी 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 जी